धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह गुरुवार को सीफर के सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल रमेश बैस और विशिष्ट अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुल 51 गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को वर्चुअली उपाधि और गोल्ड मेडल प्रदान किया। वहीं बाकी विद्यार्थियों को कॉलेज के स्तर पर ही निर्धारित तिथि पर उपाधि मिलेगी। कुल 60,300 छात्र विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। वहीं विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि ये विश्वविद्यालय के लिए ऐतिहासिक दिन है और प्रथम कुलपति होने के नाते मैं बेहद खुश हूँ। आज मैं सचमुच में पूरे विश्वविद्यालय परिवार के साथ बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय मात्र 4 वर्षों में जिस मुकाम पर पहुँचा है, उस मुकाम पर राज्य का कोई भी विश्वविद्यालय नहीं पहुँचा था। ये जो टाइम इस टाइम में जितनी उपलब्धियां हुई, वो किसी भी नवसृजित विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे इस खुशी इस बात की भी है कि इस कार्य में सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक, ऑफिसर्स, ट्रस्ट प्रतिनिधि, विधायक, सांसद, सभी लोगों ने हम विश्वविद्यालय का साथ दिया और इसको बढ़ाने में मदद की। मुझे खुशी इस बात की भी है कि माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति ने हमारे फर्स्ट कॉन्वोकेशन में आने की और दोनों भवनों के उद्घाटन में शिरकत की, और माननीय मुख्यमंत्री ने भी इसमें अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में इसमें अपना प्रेजेंस शो किया, एक लाइव भाषण दिया, जिससे कि यहाँ के छात्र एवं छात्राएं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं और वो भविष्य में अपनी योजना बना सकेंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि यह विश्वविद्यालय, मुझे तो ऑलरेडी ये लगता है कि राज्य में अग्रणी के, अगर उसको नहीं कहा जाए तो अग्रणी, किसी भी अग्रणी विश्वविद्यालय से कम नहीं। और यहाँ पर जो भी कोर्सेज हम लोगों ने स्टार्ट किया, वो बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।